हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास एक रेडमी का फ़ोन है, रेडमी नोट 8। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कस्टमर का कहना है कि मैंने फ़ोन को रीसेट किया, उसके बाद में सिम कार्ड काम नहीं कर रहा है। मतलब सिम कार्ड तो काम कर रहा है बट नो सर्विस आ रहा है। तो मैंने अभी इसमें कोई सिम कार्ड नहीं लगा के रखा, तो इसका भी वर्जन देख लीजिए, 12.0.2 अभी इसका वर्जन है। तो आज हम इसे फ्लैश करके देखते हैं। जैसा कि कस्टमर ने बोला है कि आफ्टर अपडेट के बाद में इसमें नो सर्विस आ रहा है, और इसमें IMI बेसमेंट भी ओके है। सॉरी, कस्टमर ने बोला फ़ोन रीसेट करने के बाद में इसमें IMI बेसमेंट भी ओके है, फिर भी नो सर्विस आ रहा है रीसेट करने के बाद में। तो आज हम इसे फ्लैश करेंगे, और फ्लैश करने वाले हम दो टूल का पहले देखते हैं, जो अभी नया जो हमारा टूल एक आया है ना, मिराइकल पावर टूल, उससे देखते हैं फ्लैश करके ये फ़ोन हमारा फ्लैश होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं, और यहाँ पे इसका फ्लैश फाइल है, आपको दिखा देता हूँ। जिंको इसका है फ्लैश फाइल का जो स्टार्टिंग पॉइंट कोडिंग है इसका। तो सबसे पहले अगर ये आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले तो इसका USB ड्राइवर इंस्टॉल करना है। ये वीडियो उन भाई लोग के लिए है जो कि फर्स्ट टाइम फ्लैशिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वालकॉम का USB ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए, और उसके बाद में ये मिराइकल पावर टूल आपके पास होना चाहिए, और इसका यूजर ID पासवर्ड। ठीक है, तो ये टूल अगर परचेस करना है तो आप इसे परचेस भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा टूल है, बहुत कम पैसे में, 1 साल का वर्किंग है, बट एक क्वालकॉम के लिए देखते हैं ये सक्सेस है या नहीं है। ठीक है, तो अभी ये हमारा मिराइकल पावर टूल ओपन कर लेते हैं। आज हम इसको इसी से फ्लैश करेंगे, और देखते हैं इससे फ्लैशिंग होता है या कोई एरर आता है, फिर हम दूसरा टूल यूज करेंगे अगर इससे नहीं होगा तो। ये ऑफलाइन फ्लैशिंग हो जाता है, अनलॉक टूल से भी हो जाता है, UMT से भी हो जाता है। तो देखते हैं पहले ये हमारा मिराइकल पावर टूल से फ्लैश होता है नहीं होता है। तो ये हम मिराइकल पावर टूल को ओपन कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसा कि इसमें कहना था कस्टमर का कि रिसेट करने के बाद में हुआ ये प्रॉब्लम, और ये कहीं और पहले दिया होता टेक्नीशियन के पास ने, तो उन्होंने इसका STR वगैरह पे काम कर चुका है। इसका STR भी चेंज है, 2GPFO भी चेंज है। तो पहले जैसा कि कस्टमर से मैंने पूछा कि ये कैसे हुआ, तो हमें कोई भी फॉल्ट जानने के लिए कैसे हुआ तो ये कस्टमर ही बताता है, अगर सही सही बता दे तो हम लोग अच्छे से काम कर पाते हैं। तो उसने कहा कि मैंने फ़ोन को जैसे ही रिसेट किया उसके बाद में इसमें नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। तो अब हम इसमें काम करने वाले हैं, डायरेक्ट पहला काम हम फ्लैश करके देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें STR भी चेंज किया हुआ है, 2GPFO भी चेंज किया हुआ है। तो हम एक बार इसे फ्लैश करके पहले देखेंगे, जैसा कस्टमर का कहना है उसके हिसाब से। तो अगर फ्लैश करने के बाद में हमारा नेटवर्क आ जाता है तो अच्छी बात है। तो ये क्वालकॉम का टैब में हम जाके यहाँ से ऐड प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, इससे सब ऑटो पे रहने देना है। यहाँ पे सिंपली हम ऐड प्रोग्राम और पैच पे, तो सॉरी पहले आप में ऐड प्रोग्राम करना है। यहाँ पे रो प्रोग्राम जीरो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने फाइल को डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट करके रखा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो लेटेस्ट वर्जन का 12.5 जो कि पहले था 12.0.2। तो यहाँ से सिंपली रो प्रोग्राम जीरो आपको इंस्टॉल करना है, XIOMI नहीं करना है, रो प्रोग्राम जीरो करना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से पैच सेलेक्ट करेंगे, जो ऐड पैच है यहाँ पे पैच जीरो सेलेक्ट करेंगे। सेम वही वाले फोल्डर में जाके आपको दिखा देता हूँ, जिंको का जाना है इमेज में और पैच जीरो। ठीक है, उसके बाद में मैं इसे सिंपली राइट कर दूंगा। और जब भी फ्लैश करें तो उसका एक्सट्रैक्ट किया हुआ फाइल सी ड्राइव या डेस्कटॉप में ही रखें, ताकि कोई एरर नहीं आए फ्लैशिंग में। कोई भी मॉडल, कोई भी फ़ोन फ्लैश कर रहे हैं तो उसका फाइल आप डेस्कटॉप पर रखें, बहुत बेटर बेटर देन कोई एरर नहीं फ्लैशिंग में आएगा। उसके वजह से जो भी एरर आता है हमारा लोकेशन के वजह से, वो एरर कभी नहीं आएगा। अब सिंपली यहाँ पे हमने इसका आइडियल पॉइंट से फ़ोन को कनेक्ट करना है, फ़ोन को बैटरी लगा देना है, बैटरी का पत्ता। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाटा केबल को इंसर्ट कर लेता हूँ, पूरा अभी मैंने नहीं किया, बस थोड़ा सा किया हूँ। और इसका टेस्ट पॉइंट आप देख लो, मैं टेस्ट पॉइंट पर टच करके फ़ोन को पूरा कनेक्ट करूँगा, डाटा केबल इंसर्ट करूँगा। ठीक है, तो मैंने पूरा इंसर्ट कर दिया, और यहाँ पे देखिए पोर्ट भी क्वालकॉम का बन गया। ठीक है, अब फ़ोन को हम सिंपली यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारा कॉम पोर्ट बन चुका है, जैसा कि आप देख रहे हो क्वालकॉम का डायग्नोस, यहाँ पे हमारा पोर्ट बन गया। अब सिंपली यहाँ पे हम फ्लैश करेंगे, जो हमारा राइट का नीचे ऑप्शन है सिंपली यहाँ से हम राइट कर देंगे,
और देखते हैं ये टूल हमारा नोटेड को फ्लैश करता है या नहीं करता है। प्रोग्रामर फाइल तो हो गया, अब आगे देखते हैं। बैकअप सिक्योरिटी फाइल, हमें बैकअप नहीं लेना है, नो कर देंगे हम। अगर यहाँ पे यस भी करते हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला। तो यहाँ पे रीसेट एफ आर पी लॉक सक्सेस ओनली, और इतना पे ही फेल हो गया, यानी पूरा फाइल हमारा फ्लैश भी नहीं हुआ, सिस्टम का फाइल फ्लैश भी नहीं हुआ, और ये तुरंत से यहाँ पे ये कंप्लीट का एरर दे चुका है, आप जैसा कि देख पा रहे हो। तो ये टूल से हमारा फ्लैश नहीं हुआ, फ्लैश एरर हो गया, आप देख पा रहे हो, जैसा कि इतना पे ही बहुत ही कुछ सेकंड्स में इसको फ्लैश का दावा दे दिया कि फ्लैश कर चुका है, ठीक है। तो ये टूल हमारा काम नहीं आएगा, अब हमें टूल चेंज करना होगा, इससे फ्लैश ये नहीं हो पाएगा क्योंकि एरर दे दिया। एक और फिर से ट्राई करेंगे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर इसको रो फाइल को हम सेलेक्ट करते हैं, एक बार देख लेते हैं सारा फाइल, नेटवर्क का फाइल तो टिक नहीं है, नहीं मोडम मोडम एसएसटी सब ओके है, इस पे भी फ्लैश करके ट्राई कर सकते हैं बट कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। यहाँ पे राइट फेल हो रहा है, तो हम इसको यूएमटी से फ्लैश करेंगे। अब क्योंकि ये सब ज़्यादा टूल से अगर हम फेल हो रहा है तो फ्लैश नहीं करने का, अगर कभी फ्लैश भी हो जाता है और ये नेटवर्क की फ़ाइल डिलीट कर देगा तो फिर बहुत ये हो जाता है। मोडेम मोडेम टू FHD की फ़ाइल अगर डिलीट हो गई या फिर री राइट हो गई न्यू, तो फिर दिक्कत हो जाता है, IMEI बेसमेंट चला जाता है फ़ोन का। तो जब कोई टूल एरर दे दे तो ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करने का। अब यहाँ पे हम UMT से फ्लैश करने वाले हैं, अभी तो इसका लेटेस्ट वर्जन भी आ चुका है बट कोई बात नहीं, ये वर्जन से फ्लैश हम करेंगे 831 से। यहाँ पे डेस्कटॉप पे जिंको इमेज रॉ प्रोग्राम 0 ओके, यहाँ पे पैच ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है, यहाँ पे पैच नहीं सेलेक्ट करना है हमें, और प्रोटेक्ट IMEI पे हमेशा क्लिक रखें, जो फर्स्ट में ब्लू है उसको हमेशा ही क्लिक करके रखें, जब भी हम कोई फ़ोन ऑन फोन फ्लैश करते हैं तो इसमें कभी भी IMEI बेसमेंट नहीं जाता। सिंपली टेस्ट पॉइंट से शॉर्ट करके फ़ोन कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुका है, और अगर ये वीडियोस देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो चलिए यहाँ पे आप कंप्लीट फ्लैश देखते हैं, और फ्लैश होने के बाद में देखते हैं कि फ़ोन हमारा कम्प्लीटली ऑन होता है या नहीं होता है, एंड नेटवर्क हमारा आता है या नहीं आता है, ठीक है। और इसका मैंने वर्जन भी अपडेट किया, तो वीडियो पर आप कंटिन्यू बने रहें। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on.
fueled by thumb to see the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by thumb to see the horizon turn us to thousands.
goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. हमारा फ़ोन यहाँ पे कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। अब देखते हैं इसमें कि हमारा नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया कि जल्दी जल्दी सेटअप कम्प्लीट हो। यहाँ पे देखिए 12.5 आ चुका है, जो कि हमारा पहले 12.0.2 था, जिसे मैंने लेटेस्ट फाइल से फ्लैश कर दिया। इस फ्लैश फाइल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली मैंने यहाँ से नेक्स्ट करते जाता हूँ और देखता हूँ हमारा नेटवर्क ये फ़ोन में आता है या नहीं आता है।
यहाँ पे सेटअप हमारा फाइनली कंप्लीट। आप ऊपर में देखिए हमारा सिम कार्ड भी काम करना स्टार्ट हो चुका है, जो कि पहले नो सर्विस आ रहा था आफ्टर रिसेट के बाद में, और फ्लैश करने के बाद में हमारा नेटवर्क भी आ गया, क्योंकि ये फ़ोन बहुत छिड़ा हुआ था ऑलरेडी। एसटीआर पे काम किया हुआ था, 2GPFO पे भी काम किया हुआ था, और लिस्ट भी बन रहा था बट लिस्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा था। तो सिंपली यहाँ पर हमने फ्लैश किया, फ़ोन का नो सर्विस प्रॉब्लम डन हो चुका है। तो नो सर्विस में जब भी आए तो कस्टमर से पहले पूछना रहता है रीसेट करने के बाद हुआ या अपडेट करने के बाद में हुआ, तब हम पहले सॉफ्टवेयर काम करेंगे उसके बाद ही हार्डवेयर पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12.02 था, जो 12.51 हो चुका है हमारा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।